ओ गाइस ये देखो यार, यहाँ पे यार कितने सारे महंगे महंगे हल्क के सूट है। ये वाला जो देखो अल्टीमेट फाइव हेड वाला है ना हल्क का सूट है, इसकी देखो यार ये जो हेड की डिजाइन है कितनी ज्यादा अलग है। और उसके पीछे है सेवन हेड वाला रिवेंजर हल्क, और वही नहीं यार यहाँ पे देखो यार फाइव हेड वाला निंजा हल्क भी है। और ओ माय गॉड गाइस, ये तो देखो सांप के हेड की तरह इसके तो है ना हेड बाहर निकल रहे। और उसके साथ साथ ये छोटा वाला अल्टीमेट हल्क है फाइव हेड वाला। और यहाँ पे देखो यार यहाँ पे तो एक शार्क हल्क है, उसके भी अजीब से थ्री हेड आ गए। तद्दू हल्क यार ये सारे एक्सपेंसिव सूट यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी दिला दो। हाय फ्रैंकलिन पुत्र, यार ये तो है ना लाखों हजारों डॉलर के सूट है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। अरे हाँ बात तो सही है गाइस, ये देखो ये सारे सूट की प्राइस कितनी ज्यादा है, इनकी एज कितनी ज्यादा है। यहाँ पे स्क्रीन पे सबकी एज और प्राइस लिखी आ रही है। तद्दू हल्क मुझे भी चाहिए ये वाले सूट। हाय पुत्र जी, तो देखो यार तुम्हारे पास तो अभी कोई भी सूट नहीं है, तुम्हें सबसे पहले एक $1 का सूट लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें $500, $1000, $10,000, $1,00,000 का सूट, $5,00,000 का सूट, $10,00,000 का सूट, और उसके बाद तुम्हें फाइनली $1,00,000 का सूट मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे सारे सूट को धीमे धीमे है ना कमाना पड़ेगा। और पुत्र जी हाँ बिल्कुल भी सही बोला, तद्दू हल्क कैसा कैसे हो सकता है यार, प्लीज तुम मुझे $1 वाला सूट तो फ्री में दे दो, एक ही तो डॉलर का सूट है। और पुत्र जी फ्री में क्यों दो, ऐसे जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। अरे हाँ बात तो सही है, तो चलो तद्दू हल्क एक डील करते, अगर मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है ना इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में है ना $1 लिखेंगे तो आप वो वाला सूट मुझे फ्री में दे दोगे क्या। और पुत्र जी चलो ठीक है यार, ऐसा करते हैं, अगर सब जन वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में $1 लिखेंगे तो फिर यार मैं तुम्हें $1 वाला सूट फ्री में दे दूंगा। गाइस ये देखो, तुम चाहते हो ना कि मुझे यार ये बड़ा वाला देखो $1,00,000 का नया वाला अल्टीमेट हल्क का सूट मिले, जिसके इतने खतरनाक हेड है। यहाँ पे देखो सेवन हेड वाला रिवेंजर है, और उसके साथ साथ गाइस ये देखो यार ये वाला सूट देखो कितना ज्यादा एक्साइटिंग है, इसमें तो पीछे से कैसे मस्त नेक में से यार इसके हेड्स निकल रहे। और वैसा ये अल्टीमेट हल्क और ये बार ऐसा ये शार्क हल्क का, तुम चाहते हो ना ये बढ़िया बढ़िया सूट मुझे मिले तो उसका फर्स्ट स्टेप में तुम लोगों को मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में यार यहाँ पे $1 लिख दो जल्दी से, तुम्हें $1 देना भी नहीं है, जल्दी से सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना भी एकदम फ्री और $1 लिखना है जल्दी से। आए पत्तर जी यार काफी सारे लाइक तो आ गए पर कमेंट की थोड़ी कमी है। अरे दद्दू हल्क क्या बात बोलते हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो फोन में देखो यार कितने सारे लाइक आ गए और कितने सारे कमेंट सेक्शन में $1 भी आ गए। आए पत्तर जी हाँ आ तो गए हैं, ठीक है यार आबरा कडाबरा गिली गिली छू, ये लो तुम्हारा $1 का सूट। ओ गाइस ये देखो यार मुझे है ना एक $1 के हल्क का सूट मिल गया। अब देखो यार ये फाइव हेड निंजा हल्क जैसा खतरनाक सूट तो नहीं है ना यार, ये फाइव हेड अल्टीमेट हल्क जैसा सूट है, पर अभी तो मेरे पास $1 का सूट ही मिला है। और पत्तर जी तुम जाके पैसे कमाओ बाकी के, और तुम्हें धीमे धीमे अच्छे अच्छे सूट मिल जाएंगे। हाँ गाइस देखो यार अभी $1 का सूट मुझे फ्री में मिल गया, अभी ऐसे ही मैं जाके और पैसे कमाऊंगा तो धीमे धीमे है ना मेरा मनी मीटर ऊपर जाएगा और मेरे को तगड़े तगड़े हल्के सूट मिल जाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं यार जल्दी से अपने सूट को अपग्रेड करने, लेट्स गो। ओके गाइस ये देखो यार मैं यहाँ पे दद्दू हल्क के पास आ गया। दद्दू हल्क यार आपने बोला था यहाँ पे आऊंगा तो मुझे $1,000 का हल्क सूट दोगे। हाय पत्तर जी हाँ बिल्कुल यार यहाँ पे आओ यार, देखो यार लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाजू में ये वाला जो अबोमिनेशन हल्क है ये भी सूट लेने आया है। दद्दू हल्क पर हमें ये सूट के लिए करना क्या? हाय पत्तर जी देखो यार यहाँ पे तुम्हें यार एक व्हीकल को उठाने वाली रेस करनी है। क्या व्हीकल को उठाने वाली रेस? हाय पत्तर जी हाँ देखो तुम लोनो बारी बारी से यहाँ पे जाओगे ये वाली रेस करने। अब देखो ये रेस है ना ज्यादा लंबी नहीं है, तुम्हें ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ के सिर्फ ये वाली फिनिश लाइन तक जाना है। पर यार इसमें एक ट्विस्ट है। दद्दू हल्क क्या ट्विस्ट है? और पत्तर जी तुम लोग जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे तुम्हें यहाँ पे व्हीकल्स दिखते जाएंगे, और तुम्हें ये सारे व्हीकल्स को अपने सर के ऊपर उठा के भागना है। क्या इतने सारे व्हीकल को सर पे उठा के भागना है? ये देखो गाइस पहले आप एक छोटी गाड़ी है, फिर एक स्पोर्ट्स कार है, फिर एक एसयूवी है, फिर एक मॉन्स्टर ट्रक, एक मिलिट्री की ट्रक, और ये देखो पार्टी बस है पूरी की पूरी, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे है ना पूरा मिट्टी से भरा हुआ एक डंपर है, और उसके बाद लास्ट में है ना एक एयरप्लेन भी है। आए पत्तर जी हाँ तुम्हें ये सारी की सारी गाड़ियों को अपने सर पे रख के दौड़ना पड़ेगा एक एक करके, और तुम में से जो भी यहाँ पे गोल तक पहुँच पाएगा। गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आए पत्तर जी मुश्किल नहीं होगा तो फिर हल्का सूट थोड़ी ना मिलेगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये करना, इतने से व्हीकल है ये तो एक चुटकी में उठा लूंगा मैं। अरे गाइस ये थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा? अरे नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, रुक जा अभी मैं तेरे को उठा के बताता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे आगे जाऊंगा, ये वाली जो छोटी वाली गाड़ी है इसको तो मैं कितनी से उठा लूंगा, ये देख रहा है ये गाड़ी को तो एक हाथ में उठा लिया मैंने। अरे हाँ गाइस यार ये देखो यार ये हल्क तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक हाथ में यार ये वाली गाड़ी को उठा लिया। अभी देख यहाँ पे आगे जाऊंगा और ये जो दूसरी वाली स्पोर्ट्स कार है इसको इसके ऊपर एक आसानी से रख दूंगा मैं। अय्या ये देख उठा ली मैंने, दोनों गाड़ियों को मेरे सर पे रख लिया। अरे वाह वाह गाइस दो गाड़ियों को अपने सर पे रख लिया, और अभी देखो ये आगे जा रहा है, ये तीसरी ट्रक को रख पाएगा क्या सर पे? अरे आराम से रख लूंगा, ये देख अभी इसको भी मैंने हवा में उठा लिया और मेरे
मेरे सर के ऊपर रख लिया। अरे पर यहाँ पे वजन बहुत बढ़ रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी कमर क्यों मेरा साथ नहीं दे रही। अरे बाबा रे, मैं तो बार बार नीचे गिर जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। अरे बाबा रे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ओ बाबा रे, अरे मैं तो नीचे गिर गया। अरे गाइस ये नीचे गिर गया। अरे फिर भी मैं रिंग के आगे जाऊंगा, मुश्किल वक्त कमांडो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस। देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर ये देखो इसकी चिट्टी पिट्टी गुल हो गई ना। अरे कोई चिट्टी पिट्टी गुल नहीं हो, ये देख अभी मॉन्स्टर ट्रक को भी उठा लूंगा मैं। उठा लिया, उठा लिया, ये देख उठा लिया। पूरा पहाड़ बना दिया मेरे सर पे व्हीकल्स का। अरे हाँ गाइस, पहाड़ तो बना दिया है, पर ये देखो गाइस यार, ये है ना, एक कदम चलता है दो कदम झुक जाता है, एक कदम चलता है दो कदम झुक जाता है। अरे वो कमर पे इतना वजन आ गया भाई, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। अरे बाबा रे, एक और ट्रक को उठाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, उठा लूंगा, उठा लूंगा। अरे बाबा रे, ये थप्पी को ऊपर रख तो लिया, पर मैं नहीं कर पाऊंगा ये। ओ माय गॉड। अरे गाइस ये देखो, ये तो फिर से गिर गया। नहीं नहीं नहीं, खड़ा हूंगा मैं, हूंगा मैं खड़ा हूंगा। अरे ये देखो, ये करने को ही कर रहा है। अरे पर मेरा बैलेंस नहीं जा रहा। ओ माय गॉड, मैं तो नीचे गिर गया। ओ गाइस ये देखो यार, ये वाला जो हल्क था ना, इसकी तो लगता है गर्दन और कमर ही टूट गई, और ये तो यहाँ पे है ना मर गया भाई, इतने व्हीकलों के बोझ के नीचे। दुवल यार, इसका सूट तो मेरे से भी एडवांस था यार। भाई पत्थर जी, खुद पे भरोसा रखो, तुम ये कर सकते हो। गाइस देखो यार, ये इतना एडवांस हल्क था, वो भी है ना यहाँ पे व्हीकल्स के वजन के नीचे दबके मर गया। मैं तो सिर्फ अभी एक $1 का हल्क हूँ, मेरे को तुम लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में $1 लिख दो, जिससे मेरे में पावर आ जाए। आई याद दम लगा के हईशा। ये देखो मैंने ये वाली गाड़ी को भी एक हाथ में उठा लिया है। गाइस देखो, पर ये वाली गाड़ी तो हल्की थी, अभी आगे धीमे धीमे भारी व्हीकल आने वाले, तुम्हें पता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में $1 लिखो, जिससे यार मुझे पावर मिले। चलो यहाँ पर आ गया, जल्दी से इसको भी उठाना पड़ेगा। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो मैंने दो व्हीकल का पहाड़ तो बना लिया है। पर थैंक यू यार, तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया। पर गाइस अभी भी लाइक नहीं है तो किया तो कर दो। ये देखो मैं तीसरा व्हीकल अपने मुंडी पे रखने जा रहा हूँ। ये इसको उठाया और इसको भी ऊपर रख दिया। अरे बाबा रे गाइस, काफी वजन बढ़ गया है सर पे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख दिया है, और इसके लिए देखो डुचुक डुचुक हिल भी रही है। आए पत्थर जी, यू कैन डू इट यार। अरे हाँ दद्दू वाल यार, आपका प्यार है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का प्यार है। ये देखो यार, ये वाली मॉन्स्टर ट्रक भी मैं उठाऊंगा, और इसको भी मैं है ना अपने सर पे रख दूंगा। ओ माय गॉड, रख दिया गाइस। ये देखो यार, अब मैं वो लेवल पर आ चुका हूँ जिस पे ना ये वाला है ना अबोमिनेशन हल्क फेल हुआ था। तुम लोगों के सपोर्ट के साथ मेरे को पता है मैं पक्का इसको उठा लूंगा और एकदम ऊंचा पहाड़ बना दूंगा। ये देखो चार गाड़ियां तो रख दी है, अभी बड़ी वाली मिलिट्री ट्रक भी रखने की बारी आ गई। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो मैंने यार ये वाला ट्रक भी रख दिया यार यहाँ पे ऊपर। आए पत्थर जी, व्हाट अ ग्रेट पावर यार, व्हाट अ ग्रेट पावर गाइस। थैंक यू यार। देखो तुम लोगों के बिना मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता। देखो सर कितना बड़ा पहाड़ है, और मेरे सामने देखो यार अभी इतनी तगड़ी म्यूजिक बस है, मुझे इसको भी रखना पड़ेगा। हाँ गाइस देखो, पर यार मेरी कमर पे भी वजन तो पड़ रहा है। हाय भाई, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। और बाप रे, ये ट्रक अलग हो गई। कोई बात नहीं यार, ये रुको यार, ये वाली ट्रक तो मेरे है ना टावर से अथड़ा के दूसरी जगह चली गई, पर ये वाला हल्क तो मर गया। इसकी ट्रक उठा लेता हूँ मैं, ठीक है ना दद्दू हल्क। हाय पत्थर जी, ठीक है यार, ओके गाइस। ये देखो यार, यहाँ पे आके जाता हूँ मैं और इसको। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो तो सरी, मैं इतना छोटा सा हल्क, मेरे ऊपर इतने सारे व्हीकल। अब तो यार यहाँ पे और सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज आने वाला है। यहाँ पे देखो, ये वाले ट्रक को रखना है मेरे सर के ऊपर, और फिर उसके बाद वो एरोप्लेन को रखना है। पर गाइस देखो यार, मैं सोच रहा हूँ मैं दद्दू हल्क को इम्प्रेस क्यों ना करने की ट्राई करूँ, तो मैं ये एक नहीं दोनों ट्रक को मेरे सर पे रखने की कोशिश करूंगा। आज पत्थर जी, तुम क्रेजी हो रहे हो क्या। अरे क्रेजी नहीं हो रहा, आई नो दद्दू हल्क, आई कैन डू इट यार। भले ही मेरा हल्क का सूट $1 का है, पर यार मुझे पता है मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के प्यार के साथ ही कर सकता हूँ, क्योंकि सब जनों ने वीडियो को लाइक किया है। गाइस अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। मैं ये देखो दोनों ट्रक के बीच में खड़ा हो गया हूँ, और एक एक हाथ से दोनों ट्रक को उठा के अपने सर पे रखने वाला हूँ जल्दी से। और गाइस ये देखो, ओ माय गॉड, मैंने दोनों ट्रकों को अपने सर पे रख लिया है। बाप रे यार, यहाँ पे पूरा आईफिल टावर बना दिया मैंने व्हीकल का। अरे बाबा रे, हिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये देखो यार, मेरी पूरी कमर झुक रही है, टावर भी आगे झुक रहा है। पर गाइस मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही कमर झुका के मैं फुल स्पीड में आगे जा रहा हूँ। पुत्र जी, आई एम तो वेरी इंप्रेस्ड यार, मुझे नहीं लगा था तुम ये कर पाओगे। अरे दद्दू हल्क क्यों नहीं कर पाऊंगा, ये देखो बिल्कुल कर पाऊंगा, आपका आशीर्वाद है, सब्सक्राइबर्स का प्यार है। गाइस अब बस ये अवेंजर टावर को है ना, मैं प्लेन को मेरे टावर के ऊपर रखना है। ये देखो यहाँ पे क्या। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो पूरा प्लेन मैंने रख दिया अपने सर के ऊपर। भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, कितना क्रेजी कर दिया मैंने। आए पत्थर जी, हाँ सच्ची में बहुत क्रेजी कर दिया, अब जल्दी से फिनिश लाइन तक पहुंच जाओ। अरे हाँ, फिनिश लाइन तक पहुंच गया। और ये देखो गाइस, मैं यहाँ पे एक हल्क में अपग्रेड हो चुका हूँ। ये देखो गाइस यार, मेरे को मेरा रेज फील हो रहा है। और ये देखो, ओ माय गॉड गाइस, ये कोई $1000 का सूट तो नहीं लगता। आए पत्थर जी, नहीं यार, मैंने तुमको $10,000 का हल्का सूट दे दिया, क्योंकि मैं तुमसे इंप्रेस हो
हो गया कि तुमने इतने सारे व्हीकल्स को एक साथ उठा के खुद की पावर दिखा दी। अरे दद्दू अल्क, थैंक यू गाइस। देखो ये दद्दू अल्क मेरे से इंप्रेस होके उन्होंने मुझे इतना तगड़ा सूट दे दिया। ये देखो यार, ये वाला हल्का सूट कितना तगड़ा लग रहा है, क्लासिक हल्का सूट है। ये देखो यार, मैं इतना जोर जोर से ऊपर हवा में जंप कर पा रहा हूँ, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये देखो यार, एकदम एंग्री यंग मैन लग रहा हूँ ना मैं। उसके साथ साथ ये देखो गाइस, मेरी रेज की पावर, ओह माय गॉड, मैंने फुल पावर अप कर लिया है खुद को। सोचो जब मुझे फाइनली यार $1,00,000 का सूट मिल जाएगा तब तो कितना ज्यादा मजा आएगा। हाँ पुत्र जी, हाँ बहुत मजा आने वाला है। चलो यार मैं तुमको और अपग्रेड कराने ले चलता हूँ। अरे हाँ दद्दू अल्क, चलो लेट्स गो। ओके गाइस, तो देखो यार मुझे है ना मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ानी है, मतलब मेरा मनी मीटर बढ़ाना है। इसके लिए देखो मैं यहाँ पे ये वाले घर पे आ गया हूँ। ये देखो यार, ये वाले जो घर में ये जो स्विमिंग पूल है ना, कोई नॉर्मल स्विमिंग पूल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक स्विमिंग पूल है। इसमें देखो अपग्रेड देने की पावर है। ओह माय माय, मेरा अपग्रेड करने वाला स्विमिंग पूल फाइनली मैंने बनवा लिया है। इसके अंदर जो भी जाता है अच्छा अच्छा हल्क बन के जाता है। ए बच्चा लोग, इधर आओ, मैं तुमको अपग्रेड कराएगा तुम्हारा पापा। अरे पापा, फाइनली मेरा अपग्रेड होने का टाइम आ गया क्या? ए बच्चे, बिल्कुल आ गया। ये देखिए, जो स्विमिंग पूल में जाएगा ना, तब तो ऑटोमेटिकली $1 के घटिया सूट से एक मस्त खतरनाक महंगे हल्के सूट में अपग्रेड हो जाएगा। अरे पापा मजा आ जाएगा, जाओ के इसके अंदर। अरे हाँ बेटा जाना तू। अरे गाइस ये देखो यार, ये ना चिमड़ी जैसा इसके अंदर गया। और ये देखो यार, ये तो अपग्रेड होके भरा गया। अरे पापा ये देखो, अपना जो स्विमिंग पूल था उसने तो मुझे अपग्रेड कर दिया $1,000,000 के हल्के सूट में। अरे गाइस ये देखो यार, ये वाला इतना बड़ा वाला हल्का सूट इसको इतनी आसानी से मिल गया, मेरे को तो कितने पापड़ बेलने पड़ रहे यार, ये तो गलत बात है। अरे पापा थैंक यू यार, ये अपग्रेड करवाने के लिए। अरे पापा मेरे को भी अपग्रेड करवा दो ना यार। अरे बेटा कर ले, तू भी अपग्रेड कर ले। अरे क्या ये भी अपग्रेड हो जाएगा स्विमिंग पूल में कूदने के बाद? ओ ये देखो गाइस। अरे पापा देखो, मैं भी अपग्रेड हो गया 1 सेकंड वाले रिवेंजर में। अरे वाह वाह यार, ये स्विमिंग पूल की पावर तो बहुत ही जबरी है गाइस। कुछ भी हो जाए मुझे इसमें कूद के यार मेरी पावर बढ़ानी पड़ेगी। अभी मैं भी अपग्रेड हो जाऊंगा और मैं मेरे स्विमिंग पूल में मेरे अलावा किसी और को अपग्रेड नहीं होने दूंगा। ओ गाइस देखो, तुमने ये अंकल की बात सुनी क्या? ये अंकल ने बोला कि यार ये अपने अलावा किसी को भी स्विमिंग पूल में अपग्रेड नहीं होने देंगे, तो यार मुझे तो बिल्कुल ही अपग्रेड नहीं होने देंगे ना गाइस। मुझे कुछ है ना धोखा करके, चलाकी करके, दिमाग लगा के स्विमिंग पूल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी देखो यार, ये अंकल ने बोला कि ये अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल में अपग्रेड होने के लिए जा रहे, पर देखो यार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक गैस फेंक देता हूँ यहाँ पे। ये वाली है ना एकदम गंदी सी स्मेल वाली गैस है, पाद वाली गैस है, इसमें से ऐसा ना स्मेल आती है किसी ने बहुत बुरी पाद मार दी हो, तो इनको ऐसा लगेगा कि इनकी स्विमिंग पूल का सारा पानी सड़ गया है, क्योंकि इनके दो बच्चे यहाँ पे अपग्रेड हुए, और फिर यार ये है ना यहाँ पे अपग्रेड होने नहीं जाएंगे। अरे अरे ये एकदम से यहाँ धुआं धुआं क्यों फैल रहा है यार, और यहाँ पे ना स्विमिंग पूल में से बाबा इतनी गंदी पास क्यों आ रही है? अरे 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 बाबा कितनी गंदी पास आ रही है यार यहाँ पे से, तो लगता है मेरे दोनों बेटे अपग्रेड हुए ना, उनमें से किसी ने यहाँ पे पॉटी कर दी, पाद की स्मेल आ रही है सब जगह से, पूरा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। रुको यार मेरे को है ना फोन करके है ना पूल साफ करने वाली कंपनी को बुलाने दो। हाँ ये देखो, ये मैं नंबर पे लगाता हूँ 312 और इसको कॉल करता हूँ। बाबा रे कॉल कहाँ पे लगता है यार, ये आज के जमाने के फोन ही नहीं लगाने आते मुझे, और ये नंबर लगाया। चलो इस कंपनी को जल्दी से फोन करके देता हूँ। अरे यार ये स्विमिंग पूल मेरा गंदा हो गया, जल्दी से यहाँ पे भेजो यार किसी को साफ सफाई करने के लिए। अरे सर डोंट वरी, अभी भेजते हम, नंबर आपका हमने नोट कर लिया है कंप्लेन, चिंता मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है। ओ गाइस ये देखो यार, ये ही मेरा मौका है। ये देखो मैं अभी यहाँ पे से ना कूद के ये घर के बाहर जाता हूँ, और यहाँ पे से अंदर आके बोलूंगा कि मैं स्विमिंग पूल वाली कंपनी में से आया हूँ। चलो पहले घर के बाहर जाने दो, अब यहाँ पे से ना वापस अंदर घुसता हूँ, जिनको ऐसे कोई मेरे पे डाउट नहीं हो। हेलो 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 सर जी, यार आपने स्विमिंग पूल क्लीन करवाने वाली कंपनी को यार कॉल किया था, ये देखो मैं आ गया। अरे वाह रे बाबा जी, तुम लोग की सर्विस तो बहुत ही बढ़िया फास्ट है। अरे हाँ सर, आप हमारे स्पेशल प्रीमियम कस्टमर हो ना, बोला था ना आपका नंबर नोट कर लिया, इसके लिए जल्दी आ गए। अरे देखो ये हमारे स्विमिंग पूल में क्या प्रॉब्लम है, बहुत बास मार रहा है। हाँ सर आप चिंता मत करो यार, वैसे ही स्विमिंग पूल में किसी ने पॉटी वॉटी तो नहीं कर दी थी ना? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे बस यहाँ पे अपग्रेड हुए थे। अच्छा 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 रुको रुको मैं देखता हूँ। अरे ज्यादा देर इसके अंदर मत रहना, तुम अपग्रेड हो जाओगे। अरे नहीं नहीं सर मैं अपग्रेड नहीं होगा। गाइस ये देखो यार, ये स्विमिंग पूल के अंदर मैं आ गया हूँ। अरे अभी तक पूरा बॉडी मेरा डूबा नहीं अंदर, रुको यार यहाँ पे ना मैं स्विमिंग पूल के अंदर लेट जाता हूँ जिससे मेरी पूरी बॉडी डूब जाए अंदर। और ये देखो गाइस मेरा मीटर ऊपर जा रहा है। अरे 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 तुम यहाँ पानी में लेट के क्या कर रहे हो, अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो मैं सिर्फ ये ना अंडर वाटर चेकिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये देखो गाइस यार यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं। हाँ रुको रुको नाटक करता हूँ। हाँ 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 यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है करके तुम यार यहाँ पे फ्री में अपग्रेड होने की चालाक लगा रहे हो, मेरे समझ आ गया। अरे नहीं 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 कोई फ्री में अपग्रेड होने की चालाकी नहीं लगा रहा मैं। ओ गाइस ये अंकल को तो पता चल गया कि मैं फ्री में अपग्रेड होने की चालाकी लगा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, देखो मेरा मीटर कितना ऊपर चला गया, अभी तो मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। ये
देखो गाइस। अरे ये क्या कर दिया तूने भाई, तू फ्री में अपग्रेड हो गया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या मैं क्या करूँ यार, अपग्रेड हो गया तो गया। गाइस ये देखो यार, मैं तो ये थ्री हेड वाला हल्क शार्क बन चुका हूँ। मेरे दांत देखो कितने डेंजरस है, और देखो यार मेरी कमर पे से कैसे मस्त है ना, यहाँ पे मेरे दो नई नेक निकल के आ रही है। ए ससुर का नाती, तू मेरे स्विमिंग पूल से बाहर आ, कुछ काम तो कर नहीं रहा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा अपग्रेड इस्तेमाल कर रहा है फोकट में। अरे नहीं नहीं सर जी, कोई अपग्रेड आपका इस्तेमाल नहीं किया। अरे तो तू अपग्रेड कैसे हो गया? अरे वो तो मेरे पास पहले से पैसे थे। अच्छा तो तूने कुछ काम किया तो बता, यहाँ पे क्या गड़बड़ है मेरे स्विमिंग पूल में? अरे वो सर, वो आपके ना जो फिल्टर है ना, उसका पंप खराब हो गया है, इसके लिए सारा कचरा है ना अंदर अटक गया है, इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अरे ऐसी बात है क्या? तो ठीक है कर दो रिपेयर। अच्छा अच्छा हाँ रिपेयर कर दूँ, $10,000 लगेंगे, चलेगा क्या? अरे $10,000 मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ, कर दे कर दे। ओके गाइज ये देखो यार, यहाँ पे ना मैं रिपेयरिंग के नाम पे वापस स्विमिंग पूल में उतर गया हूँ। अब ये देखो एक बार तो मैं अपग्रेड हो गया, अभी दूसरी बार भी यहीं से अपग्रेड होके जाऊंगा। गाइज देखना यार, ये अंकल को पचूना लगा के जाऊंगा मैं। ये देखो अंदर चला जाता हूँ, और एक काम करता हूँ वापस है ना मैं यहाँ पे है ना लेट जाता हूँ इसके अंदर। ये देखो लेट गया, जिससे ना मैं पूरी तरह इसमें पानी में भीग जाऊँ, और पानी में भीगने के कारण मेरा मीटर अपग्रेड हो जाए। अरे तू अपग्रेड रिपेयरिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? अरे हाँ हाँ सर जी, यहाँ पे ये देखो आपका फिल्टर चेंज कर रहा हूँ मैं। अरे तू फिल्टर वहाँ पे कैसे चेंज कर रहा है यार? मेरा है ना स्विमिंग पूल का फिल्टर तो ये वाली डायरेक्शन में है, यहाँ पे फिल्टर है, तू वहाँ पे कैसे क्या काम कर रहा है? रुक जा मैं समझ गया, अबे तू सिर्फ है ना यहाँ पे मेरे स्विमिंग पूल में अपग्रेड होना है, तू ये कंपनी से भी आया क्या? आईडी कार्ड दिखा, चल बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा, मैं बहुत डेंजरस आदमी हूँ, बाहर निकल बाहर निकल, तेरी ऐसी तैसी बाहर निकल। तो गोली मारनी चालू कर दी। अरे अरे निकल रहा हूँ सर जी। यार क्या कर रहे हो यार, एक तो आपके यहाँ पे रिपेयरिंग करने आया और आप मेरे पे गोली मार रहे हो यार यहाँ पे। गाइस ये देखो मेरा मीटर अभी है ना आधे जैसा ही भरा है, मुझे और कुछ ट्रिक करनी पड़ेगी जिससे मैं अपग्रेड हो जाऊँ। अरे सर जी यार वो है ना पंप उस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे पंप है मुझे पता है, पर यार ये वायरिंग तो ऐसे पूरे स्विमिंग पूल में से यहाँ से जाती है ना, मेरे को पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी ना। अरे ऐसा थोड़ी, अभी तो तूने बोला पंप का फिल्टर खराब है, फिल्टर चेंज करना है ना सिर्फ। अरे यार देखो आप मैकेनिक हो, मैं मैकेनिक हूँ, मुझे पता है ना यार कि क्या करना है क्या नहीं करना। अरे नहीं नहीं हमको कुछ काम नहीं करवाना, मेरे जमाने में मुझे सब काम करने आता, यहाँ से निकल जाना गोली मार दूंगा तुझे, मैं कंपनी में कंप्लेन करूंगा, ये ले गोली खा। अरे बाबा रे गाइस से तो गोली मार दी। ठीक है जा रहा हूँ। ओ गाइस ये देखो यार, ये अंकल तो मेरी सारी स्ट्रेटेजी समझ गए थे यार, मेरे को अब कुछ करने ही नहीं देंगे, ये कैसे अपग्रेड करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। रुको यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्कीम सोचनी पड़ेगी मुझे। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार मेरे स्विमिंग पूल में अपग्रेड होने के लिए, मैंने मेरे प्यारे बच्चों को अपग्रेड करने के लिए स्विमिंग पूल बनाया था, ये देखो ये दोनों कितने ज्यादा महंगे $9,999 million वाले सूट लेके बैठ गए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के अलावा किसी को भी सूट मिले। अरे यार ये अंकल तो कितने लालची है गाइस। चलो कोई बात नहीं यार, अभी स्विमिंग पूल में तकलीफ भी हो गई है, मैं यहाँ पे जाके यार खुद ही जाके मैकेनिक को उठा के लेकर आता हूँ दुकान से, फोन वाले कंपनी वाले कुछ भी काम के ही नहीं होते। ओह गाइस यही मेरा मौका है यार, मेरे को जल्दी से इधर जाके ना अपग्रेड होना पड़ेगा। अरे बेटा ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे कोई आके पूल में अपग्रेड ना हो जाए। जी पापा जी। अरे हाँ पापा जी। अरे एक सेकंड ये क्या हो रहा है यार? अरे मैं है ना यहाँ पे खड़ा रह के पूल की रखवाली करता हूँ, छोटे तो उस तरफ जाके पूल की रखवाली कर। अरे गाइस ये बड़े बड़े जायंट हल्क यहाँ पे तो पूल की रखवाली करने आ रहे हैं, अगर ये दोनों पूल की रखवाली करेंगे तो भाई मैं अपग्रेड कैसे होऊंगा? देखो सर इतने बड़े बड़े दोनों पूल की तरफ खड़े हो चुके हैं। बड़ी बाबा रे ये तो गड़बड़ हो गई गाइस, ये देखो ये 7 हेड वाला रिवेंजर 5 हेड वाला अल्टीमेट हल्क दोनों यहाँ पे खड़े हो गए। रुको गाइस यार मेरे को कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, क्या है मेरे पास? क्या है यार, बम बम बहुत सारे, पर ये बम बम से कुछ भी काम नहीं होगा। ये देखो ग्रेनेड भी है, पर एक सेकंड गाइस, हाँ ये देखो मेरे पास फ्लेयर भी है, और तुम्हें फ्लेयर का पता है क्या काम होता है गाइस? ये देखो जैसे मैं फ्लेयर को ऐसे हवा में इधर फेंकूंगा ना, ये देखो तो ये फ्लेयर जहाँ पे भी लैंड करेगी ना वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाल लाल कलर का धुआं निकलने लगेगा, और फिर ऐसा हो सकता है कि ये जायंट हल्क इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अरे ये क्या है, यहाँ पे लाल लाल धुआं क्यों निकल रहा है, मुझे इसको चेकिंग करनी पड़ेगी। अरे भैया यहाँ पे अपने घर की है ना छत पे से लाल लाल धुआं क्यों निकल रहा है, इसको चेक करने दो। अरे आग तो नहीं लग गई पे? अरे नहीं भैया आग नहीं लग गई, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ गाइस ये देखो मौज ही मौज हो गई। ये देखो यार यहाँ पे है ना ये वाला एरिया खुला हो गया, मैं जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पूल में अपग्रेड करने के लिए चला जाऊंगा। देखो एकदम छुपके स्नीकी बिकी जा रहा हूँ यहाँ पे है ना, मैं रेडी हो जाता हूँ यहाँ पूल में छुपके जाने के लिए। ये देखो अरे अंदर जा 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 जा, ये देखो गाइस यहाँ पे मैं पूरा पूल के अंदर चला गया हूँ, एकदम डीप पानी में हूँ ना, इसके लिए किसी को ढंग से दिखूंगा भी नहीं। और तो और गाइस यहाँ पे देखो ये पूल का जो पानी है और मेरी चड्डी का कलर है वो दोनों मैचिंग हो जाएगा, और मेरे बाकी है ना कुछ भी यहाँ पे पार्ट भी नहीं दिख रहा, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अपग्रेड हो जाऊंगा। अरे बहुत ढूंढा कोई मैकेनिक नहीं मिला, कोई बात नहीं मैं बाद में अपग्रेड हो जाऊंगा। ओए छोटू लाल ये तो उधर छत के ऊपर क्यों खड़ा है, घर टूट जाएगा, और यहाँ पे कोई अपने स्विमिंग पूल में आके अपग्रेड करके चला गया तो यहाँ पे पैरा लगा। अरे गाइस ये पापा जी आ गए। अरे यार अभी तो मेरा अपग्रेड होना बाकी है, अगर इन्होंने देख लिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे एक सेकंड ये पानी में यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? अरे इसकी ऐसी तैसी है, तो हमारे स्विमिंग पूल में कोई हल्क अपग्रेड हो रहा है,
इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर तो मैं बमबारी करूंगा ग्रेनेड लॉन्चर से। गाइस ये तो बम फेंक रहे अंकल तो पानी के अंदर। अरे रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे स्विमिंग पूल में मुफ्त में अपग्रेड होने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं नहीं माफ कर दो अंकल, माफ कर दो। अरे कोई माफी नहीं मिलेगी, ये ला ग्रेनेड का। अरे गाइस ये देखो यार, अंकल तो धमाके धमाके करते जा रहे। आए तेरा मीटर भरने वाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये देख ग्रेनेड खा। एक ग्रेनेड तो तेरी मुंडी पे लगेगा ही ना। अरे अंकल जी माफ कर दो यार, सिर्फ अपग्रेड ही तो होने आया। अरे नहीं, ये सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों का स्विमिंग पूल है। गाइस ये देखो यार, ग्रेनेड फेंके जा रहे। पर ये देखो गाइस, मेरा मीटर भी भरने आया है और मैं इनके स्विमिंग पूल में गोल गोल घूम रहा हूँ ना, तो ये देखो मैं यहाँ पे छपा करके अंदर छुप गया। अरे किधर छुप के जा रहा, छोड़ूंगा नहीं, ये ले। अरे नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ी सी देर और गाइस मेरा मीटर पूरा भर जाएगा। अरे तेरा मीटर भरेगा, उससे पहले मैं स्विमिंग पूल पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये ले। अरे कितने बम फेंकोगे गाइस, एक सेकंड, ये देखो मेरा मीटर, ओ पूरा भर गया मैं। मेरे सिफ्री के स्विमिंग पूल में दो बार अपग्रेड हो गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे ये देख तो सर यार, देखो क्या तगड़ा अपग्रेड मिल चुका है। तेरे पांच पांच हेड आ चुके, वो भी कैसे मस्त कमर पे से निकलते हुए। अरे खतरनाक निंजा हल्क बन चुका है तू। हाँ हाँ अंकल, खतरनाक निंजा हल्क बन चुका हूँ। और आपको पता इसका मतलब क्या है? अरे क्या मतलब है? अरे तू मेरी धोती क्यों खोल रहा है? अरे आपने मेरे ऊपर इतनी सारी बमबारी करी, मैं थोड़ी धोती तो खोलूंगा ना आपकी। ये लो। और आपके दोनों निकम्मे बेटे, इनकी भी पिटाई करूंगा, ये लो। गाइस ये देखो यार, ये वाला जो बड़े हल्क है, इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, पर ये लोग है ना चीटिंग करके अपग्रेड हुए, इसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखो यार, मैंने ये जायंट हल्क को गिरा के मार दिया। और कहां पे इसका दूसरा बेटा? अरे नहीं नहीं, मेरे को मत मारना भैया। अरे मारूंगा मैं तो, मारूंगा तुझे भी मारूंगा। ये देखो ये धुलाई लगानी चालू करी इसकी, ढाई 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 ढाई। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो यार, मैंने तो अपग्रेड होने दिया। अरे कोई अपग्रेड नहीं होने दिया, ये ले चौका मार दिया इसका भी। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार मेरे पास जो पावर आई है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। फाइव हेड वाला हल्क, ये देखो एकदम सरपेंट वाले हेड लग रहे मेरे, एकदम डेंजरस वाले। 1 2 3 4 5 5 हेड निकले हुए, और उसके साथ साथ इतनी पावर। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो और पावर अनलॉक करी मैंने। और गाइस ये देखो रेड कलर की भी पावर अनलॉक करी, देखो इतनी सारी एनर्जी निकल रही है मेरे में से। तो पत्थर जी, अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ ये 5 हेड वाली पावर आई है, सोचो जब तुम्हारे पास जायंट 5 हेड वाले अल्टीमेट हल्क की पावर आ जाएगी तब क्या होगा। अरे यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा अगर मुझे इतनी सारी पावर मिल गई तो। आ पत्थर जी आ जाओ यार, तुम्हारे सपने को सच कर देंगे। पर सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया कि नहीं वो पूछ लो। अरे हाँ गाइस, देखो तुमने वीडियो को लाइक कर लिया क्या, और कमेंट सेक्शन में $1 लिख दो, क्योंकि गाइस भले अभी मेरे पास है ना $10,00,000 का सूट आ चुका है ये निंजा 5 हेड हल्क का, पर $1 के सूट को कभी भूलना नहीं है, वहीं से जर्नी स्टार्ट करी थी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में $1 भी लिख दो। मैं जा रहा हूँ यार सबसे ज्यादा महंगे $9,999,000,000 के हल्क सूट में अपग्रेड होने, लेट्स गो। ओ गाइस ये देखो यार, यहाँ पे मैं अपग्रेड होने आ गया। दद्दूवल की क्या झमेला बना के रखा है आपने यहाँ पे? हाँ पत्थर जी, झमेला नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक अपग्रेड का कोर्स बनाया, जो भी इसको जीतेगा उसको $9,999,000,000 का हल्का सूट मिल जाएगा। अरे वाह गाइस यार, देखो क्या बढ़िया मजा आएगा मेरे को तो। चलो यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ लाइन में। हाँ पत्थर जी लाइन में खड़े हो जाओ, देखो यार आज तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन एकदम तगड़ा है। अरे हाँ गाइस देखो यार, बहुत ज्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। देखो जैसा मैं एक 3-हेडेड शार्क हल्क था ना, वैसे यहाँ पे एक और दूसरा 3-हेडेड शार्क हल्क है। उसके अलावा यहाँ पे देखो यार, ये है ना ब्लैक कमांडो भी यहाँ पे आया है, और ये वाला हल्क देखो क्या पुशअप्स मार रहा है। पर गाइस यार किसी के पास भी 5 हेड नहीं और निंजा की पावर नहीं है। और पत्थर जी बात तो सही बोला, भले मेरे पास 5 हेड नहीं है, पर जब मेरे पास 5 हेड आएंगे ना, तब मैं तुझे बताऊंगा। अरे देश की सेवा करने के लिए मैं अपग्रेड होऊंगा। अरे मेरे को देश की सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आतंक बचाने में। मेरे को तो टीटू को इम्प्रेस करना है, स्वीटी को। हाँ टीटू जब स्वीटी को इम्प्रेस कर लेगा तब बहुत मजा आएगा। है तुझे टीटू को इम्प्रेस करना है कि स्वीटी को? अरे टीटू तो मेरा नाम है, मुझे स्वीटी को इम्प्रेस करना है। अच्छा अच्छा समझा। पत्थर जी देखो यार, जिसको भी इम्प्रेस करना हो, आज का रैम चैलेंज होने वाला बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको पार करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, और इसमें मैंने बहुत सारे है ना पड़ाव भी डाल रखे। अरे हाँ पड़ाव तो दिख रहे हैं दद्दू हल्के, और यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के है ना ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो क्या गोल 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 घूमने वाले चैलेंजेस दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो गोल घूमने के बाद नीचे गिरने का भी चैलेंज दिख रहा है, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे बोट्स भी दिख रहे हैं। दद्दू हल्के क्या किया है, कैसा चैलेंज है? पत्थर जी देखो यार, ये चैलेंज जो भी कम्प्लीट करेगा ना, उससे ये $9,999,000,000 की कार मिलेगी, और उसके बदले में तुम एक अपने लिए हल्का सूट ले सकते हो। अरे वाह वाह वाह, पर दद्दू हल्के चैलेंज में करना क्या है? पत्थर जी क्या करना है
वो तो मैं तुम्हें भी बहुत ही जल्दी बताता हूँ। ये देखो यार, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें ये छोटी वाली गाड़ी में जाना है या फिर ये मॉन्स्टर ट्रक में आगे जाना है। तुम चाहो तो ये छोटी वाली ट्रक ले सकते हो, चाहो तो ये बड़ी वाली मॉन्स्टर ट्रक ले सकते हो। ये सबसे बड़ा और पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी चूज करी हुई गाड़ी को आगे लेके जाना है और ये पहले मेगा रैंप के ऊपर लेके जाना है। पहले मेगा रैंप के बाद ऊपर चढ़ाने के बाद तुम्हें अपनी गाड़ी को ये पहले मेगा रैंप से नीचे उतारनी है, फिर वापस एक मेगा रैंप के ऊपर चढ़ानी है और वापस एक मेगा रैंप के नीचे उतारनी है। अरे वाह वाह, ये तो काफी मुश्किल होने वाला है। उसके बाद देखो, ये स्टॉप साइन से बच के हमें सेकंड पड़ाव पे आना है। आए पत्थर जी, हाँ, सेकंड पड़ाव में आके तुम्हें वापस अपना व्हीकल सिलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या तुम्हें एक एसयूवी रखनी है, स्पोर्ट्स कार चलानी है या फिर यार एक नॉर्मल गाड़ी चलानी है। उसके बाद तुम्हें वो गाड़ी को आगे लेके जाना पड़ेगा ये वाले रेस ट्रैक पे। अब ये रेस ट्रैक पे ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस टर्न्स है और एक भी यार यहाँ पे रेलिंग नहीं है, तो अगर तुम आउट हो गए तो डायरेक्ट गिर के नीचे पानी में जाओगे। पानी में? अरे हाँ, पानी में तो जाऊंगा यार। उसके बाद अगर यहाँ पे सक्सेसफुली तुम आ गए तो तुम्हें अपनी गाड़ी को यहाँ पे नीचे गिराना पड़ेगा और यहाँ पानी में मछली की तरह छपाक करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, सारी डायरेक्शन में अलग अलग बोट्स रखी हुई है। अपने को अपनी मनपसंदीदार बोट को लेके यहाँ पे आगे जाना है और ये लाल कलर की कोको कोला की फिनिश लाइन पे पहुंचना है। सही कहा ना दद्दूल? हाँ पत्थर जी, हाँ, ये कोको कोला की फिनिश लाइन पे जो भी पहुंच जाएगा उसका यार मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और वो हो जाएगा एक 9999 मिलियन डॉलर के हल्क में अपग्रेड। नहीं होगा, मैं ही होगा। अरे नहीं, मुश्किल वक्त कमांड हो सकता होगा। हाँ पत्थर जी, कौन होगा वो तो चलो देखते हैं अभी कॉम्पिटिशन को शुरू करके। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे से पहले कोई नहीं जाएगा और ना ही किसी को अपग्रेड होने मिलेगा। ये देखो, मैं यहाँ पे मेरी काली और हरी मॉन्स्टर ट्रक में जाऊंगा। नम 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 नम, ये मॉन्स्टर ट्रक देखो कितनी डेंजरस है। हा हा हा, ये सारी गाड़ियों के ऊपर से लेके जाऊंगा मैं। अरे यार, दूसरे की गाड़ियों के ऊपर से लेके जाना गलत मैनर्स होते हैं। अरे तुझे क्या लगता है, मेरे को मैनर्स की पड़ी है बुद्धू आदमी? मुझे मैनर्स की कुछ नहीं पड़ी। ये देखो, ये गाड़ी को मैं लेके जा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच चुकी है। अभी टॉप पे पहुंचाऊंगा मैं और अभी देखो यहाँ पे फड़फड़ाते हुए मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा। मजा आ गई यार। ये देखो, स्पीड में नीचे लेकर आया हूँ मैं, मेरे जैसा खास कोई नहीं है। ये देखो, ये दूसरे वाले रैंप पे भी लेकर आ गया हूँ मैं, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया से लेकर आया हूँ। अब देखो, इसको वापस से नीचे भी लेके जाऊंगा। अरे गाइज, ये देखो यार, अरे ये क्या हो रहा है? देखो गाइज, इसका थोड़ा सा बैलेंस मिस हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बैलेंस मिस होता रहता है, बड़ी गाड़ी है ना, इसके लिए बैलेंस कम मिस होना चाहिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, अरे नीचे गिर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरूंगा। अरे क्या हो रहा है यार, ये गाड़ी टर्न ही नहीं लेती ढंग से। ये देखो, मौका मिल गया मुझे आगे जाने का। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा? गाइज ये देखो, इसकी मॉन्स्टर ट्रक है ना, टर्न ही नहीं ले रही ढंग से, ये बेचारा जा ही नहीं पा रहा, यहाँ पे इतना छोटा सा रोड है। अरे नहीं नहीं, मैं जाऊंगा मम्मी, मैं जाऊंगा। अरे ये स्टॉप साइन ने फिर से रोक दिया। रुको, इस तरफ से जाता हूँ। ओए स्टॉप साइन, ओए नहीं नहीं नहीं, ओए क्या कर रहा है, ओए नहीं नहीं, अरे ये मेरे को नीचे गिरा देगा। ओ नो, इसे तो मुझे नीचे गिरा दिया, इसकी ऐसी तैसी। जो देश की सेवा नहीं करना चाहता वो कभी अपग्रेड नहीं हो पाएगा। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, हीरोगिरी नहीं। इसके लिए देखो, मैं ब्लैक कमांडो होने के नाते यहाँ पे ये ग्रीन और ब्लैक बाइक पे बैठूंगा और मैं छोटी वाली बाइक इससे ले रहा हूँ, जिससे यार यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में ये चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँ। ये देखो, ये बाइक छोटी होने के कारण काफी ज्यादा फास्ट है। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यार, इस गाड़ी में तो इतनी पावर ही नहीं कि ये बड़ा वाला रैंप चढ़ा सके। कोई बात नहीं, मैं इसको जिगजैग करके ऊपर चढ़ा ही दूंगा। मुश्किल वक्त ब्लैक कमांडो सक। अरे गाइस ये देखो यार, ये अंकल है ना, ब्लैक कमांडो है, इसके लिए इन्होंने है ना ये गाड़ी को यहाँ पे बैलेंस कर लिया और इसको यहाँ पे चढ़ा दिया। पर देखो, बड़ी गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है और छोटी गाड़ी बहुत ज्यादा छोटी है। दद्दूवल, कैसा चैलेंज क्यों बनाया आपने? आए पत्थर जी, वही तो मजा। ये देखो यार, ये ब्लैक कमांडो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी करके ऊपर पहुंचाने के लिए। अगर यार इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती तो चैलेंज बहुत ज्यादा इजी नहीं हो जाता? अरे हाँ गाइस, बात सही है। पर देखो यार, ये ब्लैक कमांडो ने मेहनत करके है ना ये अपनी छोटी वाली गाड़ी को यहाँ पे आगे पहुंचा लिया और अब इसकी बाइक छोटी है, इसलिए तो फटाफट आगे पहुंच जाएगी। और ये देखो क्या गोल घूम के आई है। मुश्किल वक्त ब्लैक कमांडो सख्त। ये देखो यार, अब यहाँ पे ब्लैक कमांडो चलाएगा ब्लैक कलर की फलाली। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ब्लैक कलर की फलाली चलाने में। हा 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 हा, अरे ये क्या हो गया, मैं ये ब्लू कलर की गाड़ी में कैसे बैठ गया? इसमें नहीं, मेरे को मेरी ब्लैक कलर की फलाली में बैठना था। अरे फलाली नहीं, फरारी होता है। अरे हाँ हाँ, वही होता है। ये देखो, बैठ चुका हूँ मैं इसमें। हा हा, सुपर कार मेरी। मुझे कभी भी सरकार की तरफ से सुपर कार चलाने का मौका नहीं मिला, आज मिल चुका है। फुल एक्सेलरेटर दबाऊंगा मैं। अरे फुल एक्सेलरेटर मत दबाना, नीचे गिर जाओगे। अरे नहीं गिरूंगा,
कभी कभी तो मौका मिलता है सीक्रेट मिशन पे फरारी चलाने का, और उसमें भी मैं फुल एक्सेलरेटर नहीं मारूंगा तो क्या मतलब मेरा। ओह नो, ये क्या हो गया, फुल एक्सेलरेटर मारने के चक्कर में ब्लैक कमांडो आउट हो गया। अरे मेरा नाम है टीटू सिंह, और टीटू सिंह को स्वीटी को इम्प्रेस करना है, इसके लिए टीटू है ना यहाँ पे से आज अपग्रेड हुए बिना जाएगा नहीं। ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका अपनी गड्डी पे, लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए तैयार हो ना सब बच्चे। और ये देखो मैं यहाँ पे जितनी भी दूसरी गाड़ियां है सबके ऊपर से मेरी मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा के चला जाऊंगा, जिससे अगर है ना कोई मैं अपग्रेड ना हो पाऊ तो ये गंदा सा जो बुद्धू फ्रैंकलिन आया फाइव हेड वाला सूट लेके वो भी अपग्रेड ना हो पाए। और देखो मजे की बात, मेरी वाली मॉन्स्टर ट्रक में तो V12 का इंजन लगा हुआ है, इसके लिए यार उसको यहाँ पे ऊपर चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे देखो नीचे गिराते वक्त मैं एकदम स्पीड को कंट्रोल में ले लूंगा, जिससे यार मैं आउट नहीं होगा। मैं तो है ना मेरी स्वीटी को इम्प्रेस करके ही जाऊंगा। गाइस ये देखो यार, ये वाला जो हल्के इसने तो प्रण ले लिया कि स्वीटी को इम्प्रेस करके ही आए जाएगा यार, और स्वीटी को इम्प्रेस करने के लिए इसको यार $1,00,000 का हल्का सूट चाहिए, जो ये इस बोल रहा है लेके ही जाने वाला ये तो। और ये देखो बाप रे, इसने तो अपनी मॉन्स्टर ट्रक को है ना यहाँ पे से कितना स्किलफुली निकाल लिया। मेरा काम काज ही ऐसा है फ्रैंकलिन, अब मैंने सारी छोटी गाड़ियां तो डिस्ट्रॉय कर दी है, तो तुझे अगर मैं हार भी गया तो भी मॉन्स्टर ट्रक ही लेकर आनी पड़ेगी, और तू ये चैलेंज कम्प्लीट ही नहीं कर पाएगा। और ये देखो यार, यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे फुल स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा ना, तो भी मैं आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी गाड़ियाँ चलाने का इतना ज्यादा है ना बेमिसाल एक्सपीरियंस है। और हाँ गाइस, ये देखो यार, यहाँ पे है ना कितनी ज्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चला रहा है। और ये देखो गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, यह है ना बार बार गाड़ी को डबल क्लच कर रहा है। ये देखो तुम्हें इसकी ना बूस्ट की आवाज आ रही है, ये हमेशा सेकंड गियर में गाड़ी को है ना दो बार एक्सेलरेट करता है ब्रेक मार के, तो इसके लिए है ना इसकी गाड़ी को ज्यादा बूस्ट मिलती है। और ये देखो इसने क्या स्किलफुली यहाँ पे अपनी गाड़ी को ठोक के भी रोक लिया। मैंने बहुत अच्छे से ठोक के गाड़ी को रोक लिया। अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया, अरे पापा रे, मैंने गाड़ी को ठोका तो उसका रिवर्स गियर अटक गया और मैं पानी में आके डिस्क्वालीफाई हो गया। अब मैं स्वीटी को कैसे इंप्रेस करूंगा। अरे गाइस ये तो आउट हो गया, ओ माय गॉड, ओ गाइस वो आउट हो गया। चलो यार देखो यार, अब मैं ना तत्तुअल का पहला आशीर्वाद लेता हूँ, तत्तुअल के यार पाए लागू। आए पत्थर जी, तुम 9999 मिलियन डॉलर के हल्क में अपग्रेड हो जाओगे, टेंशन मत लो। अब गाइस देखो यार, यहाँ पे जो छोटी वाली गाड़ियां थी ना वो तो सारी ये गंदे हल्क ने डिस्ट्रॉय कर दी, इसके लिए मुझे बड़ा मॉन्स्टर ट्रक ही लेके जाना पड़ेगा, वरना मैं ब्लैक कमांडो की तरह सोच रहा था कि मैं भी यार इसको लेना लेके जाऊंगा छोटी गाड़ी को। पर कोई बात नहीं गाइस, देखो मैंने भी छोटी गाड़ी पे लगा दिया थोड़ा सा मेरा मॉन्स्टर ट्रक का जादू। और ये देखो गाइस, ये वाली जो गाड़ी है वैसे यार ये मेरे सूट के साथ एकदम 100% मैचिंग है। ये देखो यार, इसमें गोल्डन कलर की पट्टियां भी और ब्लैक कलर का मास्क भी है। ये देखो यार, मैं मॉन्स्टर ट्रक को यहाँ पे ऊपर लेकर आ गया हूँ। अभी देखो यार, ये मॉन्स्टर ट्रक के लिए जो चैलेंज है वो है ना ये रैंप के ऊपर जाना नहीं, और ना ही रैंप से नीचे जाना है। जो रैंप के बाद है ना वो स्टॉप वाला दरवाजा आने वाला है ना अभी सेकंड रैंप के बाद, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार वो रास्ता बहुत छोटा है और एक बार टाइमिंग गड़बड़ हो गई ना तो फिर यार बहुत मुश्किल से क्रॉस होंगे। ये देखो गाइस यार, मैं यहाँ पे से निकल रहा हूँ, ओ माय गॉड टाइमिंग गड़बड़ होने वाली है। ओ गाइस ये देखो, टाइमिंग गड़बड़ हुई थी, मेरी ट्रक उछली भी थी, पर यहाँ पे देखो मैंने खुद की ट्रक को कंट्रोल करवा के या ना यहाँ पे रोक लिया। और पत्थर जी, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। अरे दद्दूवल थैंक यू गाइस। अभी कौन सी वाली गाड़ी लूं? गाइस मैं तो यार ये रेड वाली फरारी लूंगा। देखो कोई भी गाड़ी की तुम बात करो, पर रेड कलर की फरारी है ना अपनी जगह पे यार। ये देखो मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा, और यार ये वाली बाइक गाड़ी है ना इतनी ज्यादा स्पीड में चलने वाली है ना, ओ माय गॉड गाइस। ये देखो यार, यहाँ पे गाड़ी का पीछे बूस्ट भी निकल रहा है, ओ माय गॉड। इसके देखो क्वाड एग्जॉस्ट है, चार चार एग्जॉस्ट के पाइप्स है, उसमें से ना बार बार बूस्ट निकलता है। ओए होए 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 होए, अरे अरे अभी यहाँ पे एग्जॉस्ट निकालने के चक्कर में आउट हो जाता मैं। ये देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और ये देखो यहाँ पे गाइस मैं ना यहाँ पे मैंने डबल क्लच किया और मेरी गाड़ी को मस्त स्पीड पे घुमाया, और यहाँ पे देखो वापस से ब्रेक मार दी। अरे मेरी गाड़ी यहाँ पे गाइस ठुक गई है। अब याद रखना T2 की गाड़ी के साथ क्या हुआ था, उसकी गाड़ी रिवर्स गियर में अटक गई थी। ओह माय गॉड गाइस, हाँ मेरी गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं अटकी, मेरी गाड़ी तो पूरी डैमेज हो गई। हाँ पत्थर जी कोई बात नहीं, डैमेज हुई भी गाड़ी से फर्क नहीं पड़ता, बोट में कूदो जल्दी से बोट में। अब गाइस देखो मुझे सामने वाले एरिया में जाना है, इसके लिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे जो पहली बोट मिलेगी ना उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये देखो यार ये रेड वाली है ना बोट पे जाऊंगा, और यार इसके ऊपर चढ़ के, और ये देखो ये गया मैं, और यहाँ पे फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। अरे हम भी अपग्रेड होने जा रहे हैं। अरे जा तू कोई अपग्रेड नहीं होने जा पाएगा, चलो गाइस चलते। ओए पत्थर जी यू आर सो क्लोज यार। अरे हाँ आई एम सो क्लोज दद्दूवल की, देखो मैं फिनिश लाइन पे पहुंच गया। ओ गाइस ये देखो, ओ माय गॉड गाइस ये देखो, मैं ये नई डिजाइन वाला फाइव हेड वाला अल्टीमेट हल्क बन चुका, वो भी जायंट साइज का। ये देखो मेरे पीछे से कितनी सारी नेक्स्ट ग्रो के मेरे नए हेड वापस बाहर आ रहे। और ये देखो यार मैं ना यहाँ पे इतनी तगड़ी लेजर छोड़ सकता, ओ माय गॉड मेरे मुंह के
अंदर से। ओ ये देखो, और मेरे पांच मुंह है ना, तो पांचों के अंदर से मैं एक एक लेजर छोड़ सकता हूँ। अभी तो मैं एक ही लेजर छोड़ रहा हूँ। और ये देखो मेरी जो लेजर है ना, ये नॉर्मल कलर की नहीं है भाई, इसकी जो आग लगती है वो भी कितनी डेंजरस है। और यहाँ पे देखो यार, एटॉमिक एक्सप्लोजन करके मैं मेरे अंदर की सारी गर्मी निकाल सकता हूँ। ओ माय गॉड गाइस, मजा आ गई। देखो गाइस, मुझे तो मजा आ गई इतने खतरनाक अल्टीमेट हल्क में अपग्रेड होने में। अगर तुम्हें भी यार मजा चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और ये स्क्रीन पे वीडियो आ रहे ना, इन दोनों में से एक वीडियो देख लो, दोनों वीडियो बहुत अच्छे। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।